अर्ज किया है। इरशाद, वो आशिक ही क्या जो अपनी बंदी का नाम अपने हाथ पर ना लिखवाए। वाह 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 वाह। वो आशिक ही क्या जो अपनी बंदी का नाम अपने हाथ पर ना लिखवाए, और गाड़ी लो तो फॉर्च्यूनर लो। भाई ये तो राइम ही नहीं हुआ। अबे तो राइम करता ही कौन है आजकल। तू फीलिंग्स देख, मेरी फीलिंग्स कितना ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तेरी भाभी से, और मजे की बात तो ये है कि वो मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। इतना प्यार करने वाली लड़की मिलेगी तुझे कहीं? पर भाई तुम्हारे रिलेशनशिप को बस 10-12 दिन ही तो हुए हैं। तो क्या हुआ भाई, दिन से फर्क नहीं पड़ता। प्यार देख तू कितना ज्यादा है हमारा। उसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान ने उसे मेरे लिए ही बनाया है। आज उसके नाम का टैटू भी करवा लिया। मुझे लगता है कहीं वो खुशी के मारे पागल ना हो जाए, कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। सिंगल है ना तू, तू नहीं समझेगा सच्चे प्यार की ताकत। मेरे प्यार में वो इतनी ज्यादा पागल है कि ना मेरे बिना कभी खाना खाती है, और खाना तो दूर एक बूंद पानी तक की नहीं पीती। एक ओरियो शेक, एक स्प्रिंग रोल, एक चिली पनीर, एक चिली मशरूम। एक मिनट, बिल तुम ही पे कर रहे हो ना? हाँ हाँ मैं ही करूँगा, इसमें भी कोई पूछने की बात है? फिर ठीक है, एक काम करो, दो ओरियो शेक, एक स्प्रिंग रोल, एक मंचूरियन, एक चिली पनीर, एक चिली मशरूम, दाल तड़का, 4 बटर नान, 2 लच्छा पराठा और वेजिटेबल रायता। अभी के लिए बस इतना ही, मीठा बाद में देखेंगे। बस इतना ही? बड़ा कम खा रही हो, डाइटिंग पे हो गया? हाँ यार, अब फिटनेस के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। हाँ दिख भी रहा है वैसे। खैर मैं वेटर को बुलाता हूँ। वेटर छोटो, 3 नंबर टेबल कपड़ा मार बेटा, और 7 नंबर टेबल बिरयानी दे दे। हाँ जी सर। अरे रिया भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, और हमारे मनीष भैया कहाँ हैं, और ये कौन है आपके साथ? अबे मेरा छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊँ भाभी, फेल हो गया था, पापा ने घर से बाहर निकाल दिया। अब अपना पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। यहाँ वेटर की नौकरी खाली थी, फिर क्या, फिर मैंने लपक ली। अब मेरी छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, मनीष भाई कहाँ है हमारा, और ये कौन है? देखो भाभी, आप मेरे भाई को धोखा तो नहीं दे रहे, ये गलत बात है भाभी। देखो ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है, मेरी शादी में आया था तू? अरे ये सब चल क्या रहा है, और ये मनीष कौन है? अरे यार क्या ये बताऊं, 10-12 दिन उससे प्यार से बात क्या कर ली, खुद को मेरा पति समझ के बैठा है, चेप आदमी कहीं का, इरिटेट करके रख रखा है, सांस भी नहीं लेने देता मुझे। बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, लेकिन बस के उसके कुछ भी नहीं है। दिन भर में 50 कॉल्स करता है मुझे, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने ये किया, मेरे बाबू ने वो किया। पक गई थी मैं उससे, और तुम्हें पता है बर्थडे गिफ्ट क्या दिया उसने मुझे? शायरी सुना रहा था। ये भी कोई बर्थडे गिफ्ट होता है भला, वो भी मेरे जैसी लड़की के लिए? ऐसा बॉयफ्रेंड देखा है तुमने कहीं? और तुम उसे जाकर बोल मत देना मैं यहाँ पे आई थी, वरना ड्रामे करने लग जाएगा। अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हो, मुझे क्या मतलब, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। आप यहाँ खूब इंजॉय करो, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। ये देख कैसा लग रहा है टैटू, एकदम मस्त। हेलो भाई कहाँ है तू, जल्दी से मेरे वाले होटल पे आ जा। यहाँ भाभी किसी और लड़के के साथ आई हुई है, और उसके हाथों में हाथ डाल के बैठी है। भाई मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। क्या बकवास कर रहा है तू, मेरी रिया की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत देर से यही बैठी है, और उसकी बातों पे खिल-खिल करके हंसने लग रही है। तुझे देख के जैसे शर्माती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे शर्मा रही है। बस तू जल्दी आ जा यार। मैं अभी आ रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा आक्रामक हो जाऊं ना तो मुझे रोक लियो, मेरे हाथों किसी का मर्डर ना हो जाए बस। ओए क्या कर रही है तू यहाँ, झूठी मक्कार, शर्म नहीं आई तुझे, मेरे को धोखा दे रही है तू, बेशर्म। अबे ओ ज्यादा आशिक बनने की जरूरत नहीं है, 10-12 दिन का अफेयर था हमारा, खुद को कबीर सिंह समझ कर बैठा है। देख तू गलत कर रही है मेरे साथ, तुझे भी पता है मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, पर तुझसे क्या कहना, पहले मैं इससे निपट लूं। साले खुद को हीरो समझ रहा है, बंदी है ये मेरी, और ये दोनों मेरे दोस्त, और तू अकेला। अब सोच हम तीनों मिलकर तेरा क्या हाल करेंगे, तुझे इतना मारेंगे ना जमीन में गाड़ देंगे मार मार कर। आई बात समझ, तू है कौन? लगता तुझे पता नहीं मैं हूँ कौन, गुंडा हूँ मैं। ये देख पिस्टल है मेरे पास। खैर आपको तो मैं कुछ क्यों ही बोलूं, ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता, तो हम आपस में क्यों लड़े क्यों जी। पर तूने बहुत गलत करा मेरे साथ, मासूम लड़कों के दिलों के साथ खेलने वाली डायन, मेरे साथ रिलेशन में रहते हुए तू किसी और लड़के से मिल रही है, वो भी पिस्टल वाले से। छी ज्यादा नाटक मत कर, 10 दिन में मुश्किल से 5 बार मैंने तेरे फोन उठाए होंगे, वो बात अलग है कि तूने 500 कॉल कर दिए। और वैसे भी इतनी जल्दी किसी को प्यार हो जाता है क्या किसी से? ज्यादा ना बात का पतंगड़ मत बना,
यार प्लीज ऐसे मत कर। देख मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तेरे से, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, ये देख देख तेरे नाम का टैटू करवाया मैंने हाथ पे, अब तो यकीन हुआ? हुआ यकीन? मैंने बोला था टैटू करवाने के लिए? ऐसी हरकत है ना पागल ही करते हैं, और तू पागल हो चुका है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तेरे साथ नहीं रहना है। यार प्लीज मान जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तेरे से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जितना प्यार मैंने तुझे किया है ना, इतना तो मैंने आज तक किसी को नहीं किया, और ना ही शायद किसी को कर पाऊंगा। देख प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। जा जा मर जा, और जब मर जाए ना तो मुझे मैसेज करके बता देना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रिया, मैं सच में अपनी जान दे दूंगा, और अगर मैं मर गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। मैं सच में अपने हाथ की नस काट के आज ही अपनी जान दे दूंगा। प्लीज मुझे एक बार आखिरी मौका दे दे। देख मैंने फाइनल बता दिया है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। ठीक है, अगर तू यही चाहती है ना तो यही सही। अब देख मैं क्या करता हूँ, देख तू। अच्छा, हमारी नई वाली भाभी का नाम प्रिया है। लेकिन यार तुझे एक बात बताऊं, तुझे ना प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। अभी दो दिन पहले तू उससे मिला है, तुझे उससे प्यार भी हो गया, तूने उसका नाम का टैटू भी करवा लिया अपने हाथ पे। प्यार क्या है प्यार? प्यार तो ऐसी चिड़िया का नाम है जो होने को दो मिनट में हो जाए, और तेरी भाभी प्रिया से तो मैं दो दिन से बात कर रहा हूँ। तुझे पता है पिछले दो दिन में हमारी 4-5 बार फोन पे बात हो चुकी है, और आज मिलने भी जा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ही भगवान ने बनाई है। इससे जितना प्यार मैं करता हूँ ना, इतना तो मैंने आज तक किसी से नहीं किया। मुझे लगता है इसी को शायद सच्चा प्यार कहते हैं। तेरा सही है यार, एक तो तुझे प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता तू लड़कियों पे खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से लाता है। पैसों की टेंशन नहीं है, वो मैं बिनोमो से निकाल लेता हूँ। ट्रेडिंग करता हूँ और दिन के 1000 तक बन जाते हैं। क्या है ये? बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ बस करेक्ट प्राइस प्रेडिक्ट करो और मजे करो। मैं डेली शाम को 1 घंटा दे देता हूँ, बहुत ही ईजी है, तू भी ट्राई कर सकता है। मुझे करके दिखाना तू ट्रेड कैसे करता है एक बार। तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देख ये 10,000 है अकाउंट में, मैं इससे ट्रेड करता हूँ। ये रहा मेरा प्रेडिक्शन का ग्राफ, ऊपर जाएगा, ये देख जा रहा है, ये दिख रहा है तुझे? ये देखा? ये तो बहुत इजी था यार। ये देख ये रही मेरी अर्निंग, तेरे सामने ही विड्रॉ कर लेता हूँ, हो गया आज का काम। यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसका, कितनी सही चीज है ये। तो अब कर ले भाई, तुझे यहाँ सीखने के लिए 10,000 तक मिलेंगे डेमो अकाउंट में, उससे सीख और फिर आराम से डिपॉजिट कर। मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो प्रोमो कोड है ना उसे यूज कर, तेरे को 50% तक बोनस भी मिलेगा। क्या बात कर रहा है, थैंक यू यार। फटाफट कर ले, टैटू भी कंप्लीट हो गया। चलो अब तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवा के लाता हूँ। दोस्त हैं ये दोनों मेरे, जिद कर रहे थे कि भाभी से मिलना है, तो मैंने कहा मिलवा लाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाभी? हाँ भाई, अब दो दिन से हम लगातार फोन पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, कब तक ऐसे ही रहेंगे? और वैसे भी मुझे ना तुमसे सच्चे वाला प्यार हो गया है, इतना प्यार जितना ना आज तक मुझे कभी किसी से हुआ, और ना ही शायद कभी होगा। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज मेरे लिए? क्या है? मैंने अपने हाथ पर तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। ओह माय गॉड, तुमने मेरे नाम का टैटू बनवाया है? आई कांट बिलीव। लेकिन ये भी इतना फ्रेश क्यों लग रहा है, मतलब नया नया लग रहा है और बाकी इतना पुराना। वो आजकल फैशन ही ऐसा चल रहा है, यही चल रहा है मार्केट में। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है मुझे ना अपनी लाइफ में ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था जो मेरे नाम का टैटू बनवाए, और अब मुझे लगता है कि मेरी तलाश ना खत्म हो गई है।
मुझे भी हमेशा से बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका नाम मैं अपने हाथ पर लिखवा सकूं, और देखो मैंने लिखवा लिया। और तुम मुझे ऐसा वैसा लड़का मत समझना, मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देकर भाग जाए। मैं तुमसे डायरेक्ट शादी करूंगा। बताओ कब करनी है शादी? शादी मतलब मेरे पापा के होते हुए हम शादी कैसे कर सकते हैं? मतलब अंकल को निपटाना पड़ेगा। भाभी हम मर्डर वर्डर नहीं करते। हाँ मेरा एक दोस्त है, वो करता है ये काम। उसका नंबर दे दूंगा आपको मैं, डायरेक्ट बात कर लेना आप। पंडा का? हाँ दे दे। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? शादी के चक्कर में पापा को थोड़ी मरवाऊंगी मैं अपने। अरे बदतमीज है ये, एक नंबर का, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो फिर करना क्या होगा पापा का? देखो मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो मेरी शादी ऐसे किसी से नहीं करवा देंगे। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो तुम्हें पापा को इंप्रेस करना पड़ेगा। तो इंप्रेस करना कौन सा बड़ी बात है? तुम्हारे पापा को तो मैं यूं इंप्रेस कर दूंगा, यूं। पापा को इंप्रेस करना इतनी आसान बात नहीं है, वो थोड़े अलग किस्म के इंसान है यार। उसकी टेंशन तुम मत लो, वो सब कुछ मैं अपने आप देख लूंगा। तुम बस मुझे ये बता देना कि तुम्हारे पापा मुझे कब और कहां मिल सकते हैं। अब तो मैं तुम्हें तभी मिलूंगा जब मैं तुम्हारे पापा को इंप्रेस कर लूंगा। लेट्स गो बॉयज, सी यू सून बेबी। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? बहरा नहीं हूं मैं। हाँ तो ठीक है फिर, बूढ़ा आ गया है, एक्टिंग चालू कर दे। देखो बेटा, कसरत करना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं रोज वॉक पर आता हूँ। और अच्छा हुआ आज तुम भी आ गई। पर ये क्या, तुमने जीन्स क्यों पहनी है? अरे लोअर पहन लेती। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते अंकल जी। आजकल देश में गरीबी कितनी बढ़ गई है, नहीं? हाँ बेटा, क्या है तो ठीक रहे हो तुम। लेकिन अंकल जी, गरीबी के साथ साथ गरीबों की मदद करने वाले भी तो बढ़ रहे हैं। अब आप इस गबरू नौजवान को ही देख लीजिए जो सामने से आ रहा है। ये आपको शक्ल से गुंडा, मवाली, चोर ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये गरीबों की बहुत मदद करता है, बहुत। देखिए इसने इन गरीबों को कपड़े, बर्तन, क्या कुछ नहीं दिया। अगर हर घर में भगवान का ऐसा एक बंदा पैदा हो जाए तो धरती पे से गरीबी का बिल्कुल नामो निशान मिट जाए। और ये तो कुछ भी नहीं अंकल जी, मैंने तो सुना है आने वाले 2-4 दिनों में आसपास के जितने भी गरीब है सबको ये 2 BHK फ्लैट, सोने की चेन और एक डबल बेड और पूरे घर में हीटर लगा के देने वाला है, ताकि कोई ठंड से मरे ना। अब आप खुद ही बताइए अंकल जी, भगवान का ऐसा नेक बंदा इतनी आसानी से मिलता है क्या? दोस्त मेरी अगर कोई बेटी होती तो मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से ही करवाता। ठीक है अंकल जी, नमस्ते, हम चलते हैं। यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पापा ने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं किया है, पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भाई, किस बात का डर लग रहा है? हमें पार्टी देने से डर लग रहा है क्या? और अंकल जी, शादी के लिए माने या अभी तक नहीं माने? शादी के लिए तो तब मानेंगे ना जब मैं उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। क्या मतलब? अंकल से मिले तो 10 दिन हो गया, तब से अब तक तूने शादी की बात ही नहीं करी। उसी दिन से तो पापा मिल नहीं रहे हैं, तुमसे मिलने के बाद पता नहीं पापा कहाँ गायब हो गए। एक तो उनके पास फोन भी नहीं है, तो मैं फोन करके पूछ लूँ पापा कहाँ हूँ, कैसे हो, ठीक हो या नहीं। मैंने बोला भी था कि फोन अपने साथ रखा करो, अब कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं उन्हें। तू टेंशन मत ले, वो जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ही होंगे। पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो गए, मुझे लगता है हमें उनकी पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। तेरे पास उनकी कोई फोटो है क्या? हाँ हाँ है। एक काम करते हैं, उनकी फोटो लेकर पुलिस स्टेशन में चलते हैं और उनकी मिसिंग कंप्लेन लिखवा देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले पूरे शहर में अपने आप पोस्टर लगवा देंगे गुमशुदा की तलाश। मुझे लगता है उससे वो जल्दी मिल जाएंगे। हाँ चलो चलते हैं, चलो। प्रिया, प्रिया बेटी, प्रिया बेटी। पापा आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैं कब से आपको ढूंढती फिर रही हूँ, 7-8 दिन से आपको कुछ पता ही नहीं चल रही थी ठंड में, कहाँ थे आप? ठीक तो हो ना? अरे क्या बताऊँ कि मैं कहाँ था, तुम्हें याद है उस दिन वो लड़का मिला था जो गरीबों को सामान दे रहा था, और वहीं पे दूसरे 2 लड़के भी मिले थे जो उस लड़के की बहुत तारीफ कर रहे थे, और उन लड़कों ने तो यहाँ तक कहा था कि 2-4 दिन में वो 2 BHK फ्लैट, सोने की चेन गरीबों में बांटने वाला है। इसी चक्कर में मैं भिखारी बन के 8-9 दिन से वहीं घूम रहा था, ये सोच के कि उसकी नज़र मुझ पर पड़े और ये सब हमें भी मिल जाए, और वो तो मिला नहीं। लेकिन अचानक वो दोनों भिखारी मुझे मिल गए, और वो बेचारे कह रहे थे वो सब सामान तो उसने हमसे वापस ले लिया। अरे बताओ इतना बड़ा धोखा, ये सब क्या है, हैं भाई साहब? अरे ये तो वही बदमाश है, देखा तो आप।
ये लड़के भी तो वही हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या क्या धोखा है? तुम इन बदमाशों में क्या कर रही हो? पापा रिलैक्स, मैं आपको बताती हूँ। वो बात ऐसी है कि पापा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और हमने ये सब नाटक जानबूझकर किया ताकि आपके सामने इसे अच्छा इंसान दिखा सकूं और फिर हम दोनों की शादी करवा दूं आप। अरे तुझे प्यार करने के लिए यही मिला था? ये धोखेबाज, ये फरेबी, मैं नहीं करूंगा तेरी शादी इससे, समझी? अरे अंकल, मुझे थोड़ी ना पता था आप उस बात को इतना सीरियस ले लोगे और वहाँ भिखारी बन के बैठ जाओगे, वो भी इतनी ठंड में। अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। और तूने कहा था तेरे पापा अलग हैं, ये क्यों नहीं बताया कि तेरे पापा लालची हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी और इसकी शादी नहीं होने दूंगा। और तू भी सुन ले, अगर इससे शादी करेगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अब तू चाहे इसको चुन ले या मुझे चुन ले, पागल कहेगी। पापा आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, इसके चक्कर में आपको थोड़ी छोड़ूंगी मैं। माना मैं इससे प्यार करती हूँ लेकिन आपको तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। मैं नहीं करूंगी इससे शादी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। यार प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है तू? तुझे पता है ना मैं तेरे से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो प्यार के चक्कर में पापा को थोड़ी मारूंगी मैं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। देख मेरे साथ ऐसे मत कर, तुझे पता है मैं तेरे को सच्चा प्यार करता हूँ और इतना प्यार मैंने आज तक ना किसी को करा है और ना ही मैं किसी को कर सकता हूँ। देखो मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे अपने पापा के साथ रहना है, समझे तू? प्रिया एक बार और सोच ले, अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं अपने हाथ की नस काट के जान दे दूंगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। तो काट लो ना अपने हाथ की नस, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से। खेल दिया मेरे दिल के साथ, मिल गया सुकून तुझे? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था रिया। रिया नहीं, प्रिया। हाँ प्रिया, पर कोई बात नहीं, अब देख मैं क्या करता हूँ, मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया, अब इससे भी सच्चा प्यार? देखो ऐसे सच्चे आशिक आपने बहुत देखे होंगे, अगर देखे हैं तो उनके पास ये वीडियो भेजो और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर भर भर के कर दो और जाते जाते बिनोवा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।